नमस्कार, आप देख रहे हैं दायंगन और इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ ईतु शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 7 महीने नजरबंद रखने के बाद रिहा हुए फारूक अब्दुल्ला, मीडिया से कहा वह आज आजाद हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, भाजपा ने डमी कैंडिडेट के रूप में ओंकार सिंह लखावत को उतारा। और कोरोना वायरस का कहर, 2 हफ्ते टला आईपीएल आयोजन, 15 अप्रैल से शुरू होंगे मुकाबले। जम्मू कश्मीर सरकार ने 7 महीने तक नजरबंद रखे जाने के बाद राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को रिहा करने का आदेश दिया। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के सांसद हैं और उन्हें अनुच्छेद 370 के अंत के बाद से ही श्रीनगर के गुपका रोड स्थित उनके आवास पर नजरबंद रखा गया था। रिहाई का आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद फारूक अब्दुल्ला की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वह अपने परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। फारूक ने कहा कि वह जल्द ही दिल्ली जाकर संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। फारूक ने मीडिया से कहा कि वह आज आजाद हैं और आज फिलहाल कुछ भी कहने को उनके पास शब्द नहीं है। होली के ठीक बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से 4% बढ़ाया गया है। इसके अलावा 65 लाख पेंशनधारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ाने का फायदा 1 करोड़ 13 लाख परिवारों को सीधे होगा। जानलेवा कोरोना वायरस पर पीएम मोदी ने एक पहल की है। पीएम मोदी ने एक बड़ा प्रस्ताव देते हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों से इस महामारी से निपटने के लिए चर्चा करने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने इसके लिए वीडियो चैट का प्रस्ताव दिया है। हालांकि चीन सार्क देशों में शामिल नहीं है, लेकिन अगर वह कोरोना पर शुरुआत स्तर पर जानकारी साझा करता तो इसे बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जा सकता था। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र सौंपकर भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वह विधानसभा के आगामी सत्र में बहुमत परीक्षण कराने के लिए तैयार है। कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि केवल वही बता सकते हैं कि आखिर वह क्यों गए। हमारी सरकार स्थिर है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कमलनाथ सरकार पर छाए सियासी संकट के बीच गुरुग्राम के एक होटल में ठहरे भाजपा विधायक भी अपनी पार्टी की नीतियों से नाराज हैं। विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने होटल का दौरा किया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ से भाजपा के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार गुरुग्राम के होटल में ठहरे भाजपा विधायकों को किसी से न तो संपर्क करने दिया जा रहा है और न ही उन्हें बाहर निकलने दिया जा रहा है। होटल के जिस हिस्से में विधायक ठहरे हुए हैं वहां जैमर लगाकर मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। भाजपा के कई विधायकों ने होटल पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह से नई सरकार में अपने पोर्टफोलियो को लेकर जानकारी भी मांगी है। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर 26 मार्च को होने वाले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल एवं नीरज डांगी तथा भाजपा की ओर से राजेंद्र गहलोत एवं ओंकार सिंह लखावत ने विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। उधर भाजपा के नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य लखावत ने भी निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा भरा। सबसे पहले राजेंद्र गहलोत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उस समय तक यह लग रहा था कि इस चुनाव में भाजपा का एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, लेकिन भाजपा ने आखिरी वक्त पर लखावत को भी चुनाव मैदान में उतार दिया। So it is a great privilege for me that my party has been nominated me as a member of Rajya Sabha from Rajasthan. First of all, I would like to thank Honorable Congress President Sonia Gandhi ji and former Congress President Rahul Gandhi ji for giving me this opportunity to represent Rajasthan in Rajya Sabha. Now we know, I already filed the nomination. I think if I got an opportunity
to serve as a Rajya Sabha member from Rajasthan. Definitely, I will be a member facing the issues of the people concerns. Definitely, I will take up the issues belongs to the Rajasthan state especially and national issues also. आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान राजेंद्र गहलोत जी ने विधिवत रूप से अपना नामांकन दाखिल किया है और साथ ही साथ हमने हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान ओंकार सिंह जी लखावत का भी नामांकन भरवाया है। मुझे लगता है कि संख्यात्मक तौर पर भी दिखती हुई संख्या ये बेशक कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन इंडिपेंडेंट्स, दूसरे दल और उस दल के अलावा राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है इस देश में, फिल्म, राजनीति और क्रिकेट ये संभावना और अनिश्चितता वाला खेल है। इसलिए वैचारिक तौर पर हम अपनी कोशिश करेंगे, जो भी परिणाम होगा वो आपके सामने होगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोसी नदी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। इलाके के स्वार थाना क्षेत्र में अवैध खनन बढ़ता जा रहा है। इस इलाके से कोसी नदी गुजरती है। यहां लगातार राजस्व विभाग और पुलिस की टीम की कार्रवाई के बाद भी खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध खनन करते हैं। ऐसे में जब पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से इलाके में कार्रवाई की तो आरोपी आनंद फानन में अपने ट्रैक्टर और खनन से लदे डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गए। आज कोसी नदी से खनन करते हुए 3 4x4 ट्रैक्टर और 2 डंपर वहाँ मौके से गिरफ्त पकड़े हैं, उनसे कार्रवाई की है। और 6 डंपर जो हैं, डंपर और ट्रक जो ओवरलोडेड थे या तो बिना राज्य के थे, उनको मसवाती चौकी में और तहसील नहीं पकड़े और नहीं गए हैं। कोरोना वायरस एक और जहां सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं इससे बचाव के लिए जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायथल गांव में स्थित श्री नारायण बाल विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोरोना वायरस के बचाव को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जसराज सिंह राज पुरोहित थे। इस मौके पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय रायथल के प्रभारी ढगलनाथ रावल ने कोरोना वायरस के लक्षण एवं बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही मौसमी बीमारियों के बारे में भी बताया एवं मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। कोरोना वायरस के चलते आईपीएल का मौजूदा शेड्यूल करीब 2 सप्ताह यानी 18 दिन आगे खिसक गया है। बीसीसीआई की ओर से बताया गया कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से सावधानी बरतते हुए हमने इसे टालने का फैसला किया है। अब यह टूर्नामेंट 29 मार्च के बजाय 15 अप्रैल को शुरू होगा। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि आईपीएल अपने पहले से तय शेड्यूल पर खाली स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन फ्रेंचाइजियों ने बिना दर्शकों के मैच से इनकार कर दिया। इसके बाद बीसीसीआई अधिकारियों ने इस टूर्नामेंट को करीब 2 सप्ताह के लिए आगे टाल देना ही बेहतर समझा। इस बुलेटिन की ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।